अस्सलामुअलैकुम, आपके साथ है निदा खान हेल्थ वेल प्रोग्राम में। तो हमेशा की तरह आज भी कोई ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं और हमारे साथ, जहाँ तक कि आप जानते हैं कि सैयद फ़हीम साहब होते हैं। और आजकल का जो चल रहा है, आजकल टॉपिक बहुत ज़्यादा कोविड का चल रहा है, जिसके मसले में हर कोई कोविड 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 कर रहा है। तो हर जगह कोविड की वजह से हम लोग और बीमारियों को भूल चुके हैं, लेकिन आप लोगों को जैसे कि जानते हैं, कोविड के साथ साथ और बीमारियां भी चल रही हैं जिसको हम लोगों ने थोड़ा नज़रअंदाज किया हुआ है। तो आज के हम प्रोग्राम में जो है वो कुछ इस तरह करेंगे कि कोविड को थोड़ा सा साइड में रख के, और आज हम बात करेंगे कैंसर की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 फरवरी को पूरे मुल्क भर में कैंसर डे मनाया जाता है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सैयद फहीम साहब। तो आए हम आज इनसे बात करते हैं। डॉक्टर फहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया निदा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कनाडा और दुनिया भर में प्राइम कनाडा टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे कि जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट जो प्रोग्राम किए थे कोविड के हवाले से किया था, बिल्कुल सही है। और कोविड के हवाले से बहुत सारे आप जानते हैं, जैसे कि कोविड फैला हुआ हर जगह, तो कैंसर का जो है, आप 4 फरवरी को जो पूरे उसमें मनाया जाता है, सही है। हाँ, क्या एम है वर्ल्ड कैंसर डे के, क्या मतलब है ये आप बताएं थोड़ा नाज़रीन को। आप निदा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड की वजह से बहुत सारी बीमारी जो हैं, बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो अंडर क्लाउड आ गया, शेड हो गया। इस पर हम बात नहीं कर पा रहे क्योंकि कोविड का इतना फेयर है, लोगों में खौफ है। और दुनिया भर में कनाडा समेत 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इससे पहले कि मैं, आपने पूछा कि इसका क्या मकसद है, व्हाट इज़ द एम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे, मैं एक फिगर शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, मैं फिगर शेयर करने, मैं नॉर्मली प्रोग्राम में स्टैटिक्स और फिगर कम शेयर करता हूँ ताकि लोगों में खौफ पैदा ना हो। मेरे हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ का मकसद भी यही है कि हम लोगों में आगही क्रिएट करें, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, ताकि लोग अपने लाइफस्टाइल को, अपने डेली रूटीन्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं। 2020 में जो फिगर है WHO का, तकरीबन 19.3 मिलियन लोग नए कैंसर का शिकार हुए हैं। 19.3 मिलियन, इनमें से 10 मिलियन लोग मौत का शिकार हुए हैं कैंसर की वजह से। और आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में हमने एक फिगर डिस्कस किया था कि आज की तारीख तक जो कोविड की वजह से लोग मौत का शिकार हुए, उनकी तादाद तकरीबन 2,500,000 के करीब है। आप क्वांटम का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि क्या है। आपने बात की कि इसका मकसद क्या, एम क्या है। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो 2020 का वर्ल्ड कैंसर डे है, इसका थीम क्या है, इसका स्लोगन क्या है। इसका स्लोगन का अंदाज़ा इस बात से लगा लें, जो इस साल का स्लोगन है यानी 2021 का, वही 2020 का था और वही 2019 का था। यानी 3 साल तक कंटिन्यूस एक ही स्लोगन है। अच्छा। एक ही थीम है, वो क्या है, आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। मतलब आप इसकी डेप्थ का अंदाज़ा लगा लें, ये कैंसर पेशेंट्स के लिए एक स्लोगन है। और इसके, इसका जो, इस स्लोगन के पीछे जो विजन है वो ये है कि हम सारे लोग मिलकर, टुगेदर हम सारे लोग मिलकर, हमारे एक्शन से कोई ना कोई तब्दीली आएगी। और वो तब्दीली क्या है, वो कैंसर जो प्रिवेंटेबल है, बेशुमार ऐसे कैंसर्स हैं जो हमारे अपने लाइफस्टाइल से, जिसका मकसद भी यही है वर्ल्ड कैंसर डे का, कि लोगों में आगही पैदा की जाए कि ये जो कैंसर है, बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, जो हम अपने लाइफस्टाइल के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, अर्ली डिटेक्शन के ज़रिए, अर्ली डायग्नोसिस के ज़रिए, और बेहतर लाइफस्टाइल को गुजार कर, और अपने रिस्क फैक्टर को जानते हुए, अपने आप को प्रिवेंट करते हुए, जो मिलियंस ऑफ पीपल जो कैंसर की इस मर्ज में, जिस तरह मैंने कहा कि 2020 में 10 मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू कैंसर, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे का जो प्योर मकसद है, जो एम है, वो यही है कि इसको, ऐसे लोगों को मौत से बताइए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पूरे ग्लोब में देखें, पूरी दुनिया में देखें, कि कैंसर, जिस तरह मैंने कहा कि प्रिवेंटेबल है बहुत सारे कैंसर, नॉट ऑल, दुनिया में कैंसर जो है
इट इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. अगर छः लोग दुनिया में मरते हैं, हर छः में से एक शख्स जो मर रहा है वो किससे है? वो कैंसर की वजह से मर रहा है. और इसमें अमेरिकन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ के साइंटिस्ट का उसका एक रिसर्च बताऊं कि 75% ऑफ द कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है अपने लाइफ स्टाइल और अपने बिहेवियर को. वो ये कहते हैं कि पांच बिहेवियर और डाइटरी रिस्क है. अच्छा. पांच चीज़ों को तब्दील कर लें, यानी कि अपने वज़न का ख्याल रखें, ओबिसिटी सही उसका ख्याल रखें. नंबर टू, अपने खाने में फ्रूट एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, सब्जी और फलों का इस्तेमाल करें. नंबर थ्री, स्मोकिंग और अल्कोहल को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें, स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें. और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पांचवी चीज़ वो बताते हैं, डैट इज़ द फिज़िकल एक्टिविटी. हमारी ज़िंदगियों में फिज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो गया, खासतौर पर कोविड की वजह से. हम बहुत ज़्यादा, हमारी ज़िंदगी जो है वो काउच तक महदूद रह गई. चिप्स का पैकेट है, काउच है और हमें मोबाइल है और बस. तो ये है एम, जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड कैंसर डे का. और कनाडा का भी यही है, क्योंकि कनाडा का भी बहुत बर्डन है हेल्थ सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ एजिंग पॉपुलेशन है, लाइफ स्टाइल है. तो ये एम है कि किसी तरह आगही क्रिएट की जाए, लोगों में तालीम दी जाए कैंसर के हवाले से, वो क्या रिस्क फैक्टर है और किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है. सही. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इसके कैंसर के क्या साइन है? अच्छा, अगर कैंसर की साइन की बात करें तो मैं एक बात बताऊं आपको कि आज हम बात जो कर रहे हैं ना, जनरल कैंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वरना जो कॉमन कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, जो कैनेडा में खासतौर पे कोलोरेक्टल कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, मैं स्पेसिफिक्स बात करूंगा, क्योंकि जिस रीजन का कैंसर है उस रीजन के अलामात डिफरेंट होंगे. ठीक है, अगर किसी को रेक्टल का कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, किसी को लंग कैंसर है, तो उसके अलामात डिफरेंट होंगे. लेकिन बट इन जनरल अगर किसी में भी चंद अलामात ऐसी हैं, अगर वो जाहिर हो तो, मगर मैं ये कहूँ कि वार्निंग साइन या अलार्मिंग साइन वो क्या चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल, उसको अगर आप समराइज़ करें तो इस तरह कह लें कि अगर एक आदमी है हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहा है, कुछ दिनों से महसूस कर रहा है कि उसमें सुस्ती बहुत है, फैटिक महसूस करता है, और वो कोई अपने जिस्म में किसी भी हिस्से में कोई ऐसी गुदूद या लंप टाइप की चीज़ स्किन में महसूस करता है कि उसके अंदर वो फील कर रहा हो, और वो वेट चेंज देख रहा है कि उसका वेट जो है ना बहुत तेज़ी से, पहले 60 केजी था, 55 हो गया, फिर 50 अच्छा। हो गया, वेट का चेंज कम होना और ज़्यादा भी होना, लेकिन ज़्यादा जो कंसर्न है वो है वेट का कम होना. नंबर चौथी चीज़ ये है कि आप स्किन में, क्योंकि कनाडा में समर में सन का सूरज बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है स्किन सोसाइटी ऑफ कनाडा की जानिब से भी कि आप अल्ट्रावायलेट चीज़ों को रेस क्रीम को और किस तरह कवर करके आप सूरज में निकलें, तो स्किन में कोई चेंजेस आप महसूस करते हैं, कोई पैचेस है, डिसकलरेशन है, येलो कलर का स्किन हो. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, वो ये है कि आपको खाने के निगलने में इंडाइजेशन महसूस हो रही है, खाने के निगलने में सॉलिंग जिसको कहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, और आप ये महसूस करते हैं आपकी जो बाउल हैबिट है, जो आप उसमें या फिर आप जो यूरिन पास करते हैं उसमें कोई चेंजेस महसूस कर रहे हैं, या आप किसी भी किस्म का ब्रेस्ट से किसी किस्म का डिस्चार्ज महसूस कर रहे हैं, या कोई ऐसा ज़ख्म जो हुआ है और हील नहीं हो रहा है उसमें दिन ब दिन पेन और उन चीज़ों का इजाफा हो रहा है. आवाज़ में हम कहते हैं कि आवाज़ का भारीपन होना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस को कहते हैं, अगर वो हो रहा हो, और अनएक्सप्लेन जिसको आप कोई बहुत ज़्यादा तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, बॉडी में किसी रीजन पे, एब्डोमिनल रीजन पे या कहीं पर भी पेन महसूस करते हो, तो ये आपका. अच्छा, एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि कॉशन, CAUTION, यानी कि ये वो कॉशन है, ये वो एहतियाती साइन है जिसको आप में अगर महसूस करें तो आप फौरी तौर पे देखें होता क्या है, थोड़ी सी कोई चीज़ आपने रात को ऐसी चीज़ खा ली, बदहजमी वाला दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि रूटीन पे आपको महसूस हो रहा है इस तरह की चीज़, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आपके बाउल हैबिट चेंज हो गया है, आपका यूरिन हैबिट चेंज हो गया है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, कोई आप पैचेस देख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ हो तो बगैर किसी, दैट आर द अलार्मिंग साइन, आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें. मैं कॉशन की बात कर रहा था, कॉशन को अगर हम याद रख लें तो बहुत आसानी हो जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी. वो यूँ कि इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी होगी तो फिर हम करेंगे ये कि फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करेंगे. ये जो कॉशन का सी है
वो है चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट, सी ए हो गया। एक ऐसा जख्म ए सोर दैट डज नॉट हील, यानी कि कोई ऐसा जख्म है जो आप महसूस कर रहे हैं, अच्छा, स्किन के अंदर हो या ऊपर हो, जो हील नहीं हो रहा, आप ऑइंटमेंट भी लगाते हो, ट्रीटमेंट भी, अच्छा, ले रहे हो, अच्छा, एंटीबायोटिक, अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, जिस तरह मैंने कहा, चाहे वो ब्रेस्ट से हो, चाहे वो यूरिन से हो, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है और डिस्चार्ज हो रहा हो। टी, यानी कि थिकनिंग ऑफ लंप, अगर आप ब्रेस्ट में महसूस करते हैं कोई लंप है जो थिक है, अच्छा, और या कोई स्किन के किसी रीजन पे देखते हो, एब्डोमिनल रीजन पे आप जी, देखते जी, हो कोई लंप सा महसूस हो रहा है, कोई गुठली सी कोई चीज़ नज़र आ रही है और जो थिक है, टी हो गया। अच्छा, उसके बाद आई जो है कॉशन का, वो है इनडाइजेशन, यानी बदहजमी और खाने को निगलने में कोई तकलीफ हो रही है, ठीक है। ओ, कोई अनऑब्वियस किस्म की कोई ऐसी चीज़ को मोल कहते हैं या कोई ज़ख्म है वो नज़र आने लगे। एंड जो है दैट इज़ द नैगिंग कफ और हॉर्सनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी खांसी जो नैगिंग कफ से मुराद ये है कि आपकी खांसी रुकती नहीं है, चाहे वो अच्छा, रात को हो चाहे वो दिन को। अच्छा, ये वो अलामत है, कॉशन कहते हैं इसकी वजह से, कि अगर आप महसूस करते हैं अपने बॉडी में, अपने जिस्म में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रिजू करें, अच्छा, और ताकि डॉक्टर उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करें, और थॉरली इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसका मुकम्मल इलाज हो सके। अच्छा, ये जो वार्निंग साइंस हैं ये इन जर्नल हैं, लेकिन अच्छा, जब किसी रीजन का स्पेसिफिक कैंसर है, लंग कैंसर है, उसके अलामत डिफरेंट होंगे, ब्रेस्ट कैंसर है उसके डिफरेंट होंगे, प्रोस्टेट है उसके डिफरेंट होंगे, कोलोरेक्टल है उसके डिफरेंट होंगे, लेकिन इन जर्नल ये वार्निंग साइंस है जो कैंसर के लिए। मतलब आपने जो भी बताया है कि इसके इसमें से कुछ भी अलामतें, मतलब सब जरूरी तो नहीं कि सब एक साथ सब हो, बिल्कुल भी नहीं जरूरी है, कुछ भी इनमें से आप महसूस, देखिए कोई भी ऐसी चीज़ इज़ नॉट ओनली फॉर द कैंसर। मैं एक बात बताता चलूँ अपने नाज़रीन के लिए, आपके बॉडी में आप कोई भी चीज़ आप महसूस करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जी, आप सेकंड फ्लोर तक नॉर्मली बहुत रूटीन पे जाते हैं, बट यू आर फीलिंग फ्रॉम द लास्ट 10 days और 15 days, आप जब चढ़ते हो आप डिस्निक होते हो, सांस आपका फूलता है, तो ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ये है कि आप चढ़ जाते हो, अच्छा, ठीक है, नॉर्मल ये है कि आप खाना खाते हो बिल्कुल फ्रेश है, तो अब ये हो रहा है पिछले 15 दिनों से, खाना खाने के बाद जलन सी महसूस होती है, यहाँ पे दर्द होता है, खाने को निगलने में तकलीफ है। पहले ये है कि आपको यूरिन में कोई बर्निंग मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, अच्छा, थी, लेकिन आप ये महसूस कर रहे हो। इट्स नॉट ओनली, जरूरी नहीं कि सारे अलामत कैंसर के हों, लेकिन अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ महसूस हो रही हो तो आप फौरी तौर पे अपने फैमिली फिजिशियन से मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में ये सारी सहूलत मौजूद है, आपका जो स्क्रीनिंग होती है, आपके लैब टेस्ट होते हैं, उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो डायग्नोस हो जाएगा। सही, मतलब हमारे नाज़रीन को ये है कि आप लोग हल्का मत लीजिए, जो भी इस तरह की मतलब चीज़ें हैं तो इग्नोर मत करें इन चीज़ों को, फौरन आप लोग डॉक्टर के पास जाएं। नॉट टेकन एज ग्रांटेड, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि ये जो सेहत है ना जी, ये जो हेल्थ है, हमारे रब की जानिब से एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है जी, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए। रूटीन पे क्या होता है, अगर हमारे सेलफोन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, हम बस सप्लायर को या सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन करते हैं, या नेट की सर्विस नहीं आ रही जी, जी। ये रूटीन है हमारा, गाड़ी चलाते हुए कोई प्रॉब्लम आ जाए फ़ौरन मैकेनिक के पास भागते हैं। हमारे बॉडी के साथ रूटीन पे बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, यार ठीक हो जाएगा, और फिर होता ही है कि हम अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, दोस्त कहता है कि अच्छा ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, मेडिकेशन कर रहे होते हैं, जो चीज शुरू में है, इनिशियली है, उसको हम बहुत एग्रीवेट कर देते हैं। एक सेज एक कहावत है कि ये जो सेहत है ना, ये जो इंसानी हेल्थ है, ये डिजिट 1 है, बाकी सारी चीजें खुशियां पैसा शोहरत ये 0 है। अगर फिगर 1 है तो उस पे 0 लगता रहेगा और चीज़ें ऐड होती रहेंगी। एक सेहत है, 0 ऐड हुआ 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,000, 1,00,000, तो ये उस वक्त होगा जब आपके पास डिजिट 1 यानी सेहत है, जान है तो जहाँ है, सेहत है तो सब कुछ है। तो बहुत ज़रूरी है कि नॉट ओनली इन कैंसर, आज क्योंकि हम कैंसर की बात कर रहे हैं, सेहत के मामले में जब कोई भी आवाज़ हो गाड़ी में, जिस तरह आवाज़ होती है, हमें वी शुड कॉल आवर डॉक्टर, हमें डॉक्टर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं ये कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या चीज़ हैं? मैं एक बात बताऊं, नॉट ओनली कैंसर, अगर हमें ये पता हो कि जब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं जी, अपने स्टूडियो के, वो स्लिपरी है, सही, तो हम क्या करेंगे, एहतियात, क्योंकि रिस्क है, अगर हमने एहतियात नहीं किया तो क्या होगा, हम गिरेंगे, फॉल होंगे, ये है जी।
होता यह है कि हमें अपने रिस्क फैक्टर का जानना, रिस्क फैक्टर का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं, अगर हम इस पर एहतियात नहीं करें, अगर मुझे रिस्क फैक्टर नहीं मालूम होगा तो हम उस पर एहतियात नहीं करेंगे। सही। अगर रिस्क फैक्टर मालूम होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम एहतियात करेंगे। तो रिस्क फैक्टर का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, दो तरह के रिस्क फैक्टर है, नॉट ओनली इन कैंसर, बहुत सारी बीमारियों में। एक रिस्क फैक्टर तो वो है जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें आप उससे बच ही नहीं सकते। अच्छा, उम्र है, एज है। आज आप 40 के हो, कल 50 के हो जाओगे, आपके हाथ में नहीं है। सही। आपको रब ने मर्द बनाया, आपको औरत बनाया, ये आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारी डिजीजेज हैं, फीमेल ओरिएंटेड है बहुत सारे डिजीज, मेल कुछ बीमारियां जो कुछ रेसेस में होती हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, ये अवॉइडेबल नहीं है, मॉडिफाइबल नहीं है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है कैंसर के मामले में, जो रिस्क फैक्टर जिससे आप 75%, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मैंने एक स्टडी बताई आपको, 75% ऑफ द कैंसर को आप अवॉइड कर सकते हैं रिस्क फैक्टर को जानते हुए। और वो सारे के सारे रिस्क फैक्टर वो है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो। नंबर वन, टोबैको यूज, स्मोकिंग, सिगरेट पीना या नहीं पीना मेरे हाथ में, आपके हाथ में। सही। अगर आप सिगरेट पियेंगे, मैं आपको एक फिगर बताऊं, ऑफ द टोटल 22% ऑफ द कैंसर जो है वो लंग कैंसर है। और लंग कैंसर की बड़ी वजह क्या है? स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग का, सिगरेट पीना या ना पीना किसके हाथ में? आपके हाथ में। उम्र का बढ़ना आपके हाथ में नहीं है, वो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप स्मोकिंग को क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड कर सकते हैं। सही। वेट है जी, वजन है, आज आप 90 kg के हो जी, आज आप अपने आप से कमिट कर लो कि मैं अगले 3 महीने में मुझे 80 करना है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ये क्या है? अवॉइडेबल है, मॉडिफाइबल है। स्मोकिंग नंबर वन है। दूसरी चीज है, आप अगर ओवरवेट हो, अच्छा, अनहेल्दी डाइट जी, अपने खाने में फल और सब्जी का इस्तेमाल करना या ना करना किसके हाथ में? मेरे और आपके हाथ में। एग्जैक्टली, हम जंक फूड खाते हैं, शुगरी ड्रिंक पीते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, ये किसके हाथ में? हमारे हाथ में। तो इसका मतलब ये हुआ, अनहेल्दी डाइट रिस्क फैक्टर है। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो, अपने वेट को ओबिसिटी की तरफ जाते हो, मोटापे की तरफ जाते हो, और अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हो, आज आज आपने प्लान कर लिया कि मुझे वर्कअप करना है। सही। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक स्लोगन है कि रोजाना 30 मिनट, 150 मिनट्स अ वीक, 150 मिनट आपको वॉक करना है। आपको किसने रोका है? ये आपके हाथ में। अगर आप 25 मिनट रोजाना वॉक करते हो तो शायद बहुत सारे कैंसर को होने से बचा सकते हो, या फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अल्कोहल का इस्तेमाल है, लिवर कैंसर, ये आपके हाथ में। ये भी हमारे अल्कोहल का इस्तेमाल करते नहीं करते। आपका बिहेवियर, रिस्की बिहेवियर, मैं क्योंकि फैमिली शो है, बहुत ज़्यादा इस पर बात किए बगैर, कि अगर आप अपने फैमिली के साथ लॉयल रहते हो, अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहते हो, तो शायद आप रिस्की बिहेवियर से अपने आप को बचा लेते हो, जिससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और बहुत सारी बीमारियाँ जो बाद में जाकर कैंसर का सबब बनती है। अच्छा। आप वैक्सीनेशन करवाते हो, हेपेटाइटिस बी, HPV, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसका आप अगर वैक्सीन करवा लेते हो, मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत दिलचस्प एक फिगर याद आ गया मुझे, हेपेटाइटिस बी और HPV वैक्सीन, इस वैक्सीन के लगाने से आप सालाना 1 मिलियन लोग जो है ना, इस वैक्सीन के ना लगाने की वजह से मौत का शिकार होते हैं। अच्छा, मतलब ये इस कदर इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अच्छा, एक और चीज़ है, वो है कि आप सन पे, सूरज पे अनप्रोटेक्टिव जाते हो, और कुछ केमिकल रीजंस भी हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्री में काम करते हो आप जहाँ पर केमिकल है, हैजिडियस मटेरियल है, आप अपने आप को फैक्ट्री के और उस मुल्क के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हो, तो फिर यकीनन आप अपने आप को क्या करते हो? बचा लेते हो। और ना कि सिगरेट स्मोकिंग, मैं एक लफ्ज रिस्क फैक्टर बताता चलूँ, इनडायरेक्ट स्मोकिंग भी, मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, आप स्मोकिंग नहीं करती। सही। तो ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी एक रिस्की फैक्टर है। अच्छा। तो रिस्क फैक्टर बहुत सारे, लेकिन मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया ये वो है जो हमारे अपने
हाथ हाथ में है। हम अवॉइड कर सकते हैं, मॉडिफाइबल है, और इसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया, यू नो आपने क्या कंट्रोल किया, 75% ऑफ द कैंसर रिस्क को आपने सेव कर लिया। अच्छा, गुड, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे कैंसर में कौन कौन से ऐसे कोई गिज़ा बताएं जिससे कैंसर से बचा जा सके, जो गिज़ा जैसे हम अपने नॉर्मल रूटीन में जो है गिज़ा अपने इस्तेमाल करें जिससे कैंसर से बचने के लिए। देखें, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग जी, डाइट का गिज़ा का रोल है। मैंने अभी रिस्क फैक्टर में कहा कि अनहेल्दी डाइट और वो जो पांच बिहेवियर और डाइटली रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें सब्जियों और फलों का इस्तेमाल है। ये तो तय है कि सब्जी और फलों के इस्तेमाल से आप हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड करते हो और अच्छा, अपने आप को कैंसर बचा सकते हो। लेकिन कुछ फल और सब्जी ऐसे हैं जो प्रूवन हैं थोड़े से, जिन पर जो डाइटिशियंस हैं, जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने उसको प्रेफर किया है कि ड्यूरिंग कैंसर या कैंसर से बचने के लिए या कैंसर के बाद, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर, इन तीनों सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कनाडा में ब्रोकली का अच्छा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसमें। अच्छा, ये जिन चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसमें कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स या कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कैंसर के बचाव के लिए या कैंसर के सेल्स को किल करने में काम आता है। ब्रोकली है, गाजर है, जिस तरह बीन्स हैं बीच जिसको मुख्तलिफ किस्म के, उसके बाद जो है बेरीज है, दारचीनी सिनेमन जिसको कहते हैं, नट्स हैं, ओलिव ऑयल हैं, हल्दी का इस्तेमाल बहुत होता है जो एंटी इन्फ्लेमेशन भी में भी काम आता है, सिट्रस फूड, अच्छा मौसमी टाइप की चीज़, फ्लैक्सीड प्रूवन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी, जो लोग जिन लोगों को शुगर है उसमें भी फ्लैक्सीड, अलसी अलसी का बीज जिसको कहते हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, फ्लैक्सीड यही है, उसका टमाटर का इस्तेमाल। अच्छा, ये चीज़ें जो गार्लिक है, सॉरी माफ कीजिए मैं की बात काट रही हूँ, इसका टमाटर का भी इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल प्रूवन है कि टमाटर के इस्तेमाल से भी एक तो वेट रिडक्शन में भी और प्लस अच्छा ये जो लिस्ट फेरिस बहुत लंबी है जी, जी। लेकिन ये वो है जो प्रूवन है जिसके मुताबिक इसमें कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स या सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कैंसर को किल करने में या कैंसर के प्रिवेंशन में काम आता है। इसका जो मैं बॉटम लाइन बताऊं जी, बॉटम लाइन ये है कि आज दुनिया में जी लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद, कोविड ने दुनिया के कोविड एरा जो है वो दुनिया के पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया, पूरे डायनेमिक ट्रीटमेंट डायनेमिक्स को चेंज कर रख दिया। आज के दौर में लाइफस्टाइल आपका, आपका डायरेक्टरी डाइट का जो रिस्क है जी, जी। आपके जो बिहेवियर है, आपका जो इमोशनल हेल्थ है, इसका एक बहुत 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 मेजर रोल में एक हेल्दी लाइफ को लीड करने में बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब इसका भी है इसमें कि मतलब अपना सब नेचर वगैरह लोग, मतलब आजकल तो आपको पता है कि बस कोविड की वजह से थोड़ा और लोग जो है वो नेचर बिल्कुल तब्दील हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, घर में रह के लोगों से। मैं तो ये कहूँगा कि लौट आओ कुदरत की जानिब, लौट आओ नेचर की जानिब। सही सही, तो मतलब इससे भी मतलब कैंसर का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत रोल है, बहुत। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर जल्दी पता लग जाए कैंसर का तो इसमें इसका क्या रोल है और हम इससे बचे कैसे? सारा रोल ही बच अर्ली डिटेक्शन का है। अच्छा। ये सारी कहानी जो है ना, नॉट ओनली कैंसर, दुनिया में कोई भी मर्ज पहले पता चल जाए जो स्टार्ट में है, इनिशियल स्टेज में, तो क्या होगा उसका फ़ायदा कि डायग्नोसिस जल्दी हो गई, क्लिनिकल एवोल्यूशन जल्दी हो गई, ट्रीटमेंट जल्दी हो गई। तो रोल ऑफ अर्ली डिटेक्शन इन कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये इसके दो स्टेप्स हैं। वो कैसे, अर्ली डिटेक्शन कैसे हो, इसके लिए ज़रूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस हो। अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो कि जब आपको ये पता हो कि आपके रिस्क फैक्टर क्या हैं, आपके अलार्म जिसका हमने जिक्र किया जी, जी। आपको पता हो कि आपके अलार्मिंग साइन क्या हैं, आपको कैंसर के हवाले से आगही हो जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपके कानों तक ये बात आएगी, आप कहीं पढ़ोगे और आप महसूस करोगे ये सिम्टम मुझ में तो नहीं है, अगर है तो गो एंड चेक योर डॉक्टर, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये कि जो वीकली मेडिकल चेकअप, जो नॉट वीकली आई एम सॉरी, जो हमारा स्केड्यूल है मेडिकल चेकअप का, आप जब मेडिकल चेकअप करवाते हो कैंसर कैनेडा
कनाडा में है, एक ख़ास स्टेज में फीमेल्स के लिए मेमोग्राम लाजमी है, मेल के लिए जो है कोलोनोस्कोपी और कोलोरेक्टल कैंसर मालूम करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। एक तो ये कि डायग्नोसिस हो, और जो भी स्क्रीनिंग के टेस्ट और स्क्रीनिंग के प्रोसीजर्स कनाडा में मौजूद है लाइक मेमोग्राम, HPV वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इसके अलावा पैप स्मेयर टेस्ट, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद है उसमें आपको जब गवर्नमेंट कहती है कि इस दिन इस एज में आना है, अपना रेगुलर चेकअप करवाना है, फॉलोअप करना है, तो लाजमी तौर पे करवाएं। इसका फ़ायदा ये होगा, अर्ली डिटेक्शन बेस्ट प्रोग्नोसिस, पहले पता चल गया तो उसका इलाज का आउटकम बेहतर है। और आप बिलीव इन मी लॉट ऑफ पेशेंट, बेशुमार पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका अर्ली डायग्नोसिस हुआ, डिटेक्ट हुआ और दे आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। कोई पता भी नहीं चलता कि इसका कीमोथेरेपी हो चुका है या इसका कोई रेडियोलॉजी हुई है या कोई मेडिकल सर्जरी हुई है, पता भी नहीं चलता, दे आर लिविंग ए वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो अर्ली डिटेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रिवेंशन, प्रिवेंट कैसे करें, अगर आपको याद हो हमने रिस्क फैक्टर की बात की, जो रिस्क फैक्टर है वो उसका बिल्कुल रिवर्स है। अगर हमें रिस्क फैक्टर मालूम हो जाए और उन रिस्क फैक्टर से बच गए तो आपने आपको क्या किया, प्रिवेंट कर लिया, स्टॉप स्मोकिंग, सही प्रिवेंट, आपने स्मोकिंग स्टॉप कर दिया, नथिंग इज डिले। आपने आज ये फैसला कर लिया कि मुझे स्मोकिंग बंद करनी है, सही, और आप ये सोचे यार मैं 20 साल से पी रहा हूँ अब बंद करूँगा, ना, इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। आपने आज अपने आप से कमिट किया स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग स्टॉप, अपने स्मोकिंग स्टॉप कर दी, हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट, खाने में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल, फिजिकल एक्टिविटी का इस्तेमाल, हेल्दी वेट, जो आपका बॉडी वेट है, आपको देखें आपका हाइट, बॉडी मास इंडेक्स को कहते हैं, उससे आप चेक ये करें कि आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए, एंड इट्स वेरी इजी, आपका डॉक्टर भी बता सकता है, आप खुद भी जाके कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए आपका वेट क्या है और क्या होना चाहिए। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का स्केड्यूल है उसमें आप जाएं, मेडिकल चेकअप करें, सन बर्न से अपने आप को बचाएं बहुत, क्योंकि समर में कनाडा में गर्मी ठीक ठाक पड़ती है, तो यू नो उससे किस तरह अपने आप को बचाना है। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं, एक गैस होता है नॉर्मली घरों में विंटर वगैरह में, उसका कोई स्मेल नहीं होता है, ऑडरलेस स्मेल, जिसको आप देख नहीं सकते, और कलरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, और वो रेडियो एक्टिव रेज होता है जिसको हम कहते हैं रेडॉन, रेडॉन गैस। हमें अपने घरों में किट आता है, आप कहीं से भी, यहाँ पर मैं शॉप का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जाएँ रेडॉन गैस, जो रेडियो एक्टिव गैस है, इससे ये भी कार्सिनोजेनिक है, इससे अपने आप को बचाएं। स्लीप, नींद, अच्छा दुनिया में अगर कोई शख्स हेल्दी रहना चाहता है तो 6 से 7 घंटा स्लीप लें, और विटामिन डी का इस्तेमाल रखें। मैं आखिर में 2 टिप दूंगा प्रिवेंशन में। अच्छा, एक तो विटामिन डी 800-2000 इंटरनेशनल यूनिट का इस्तेमाल दिन भर में रखें एक एडल्ट, और 6 से 7 घंटे की नींद पूरी करें। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को 75% ऑफ द कैंसर से अपने आप को बचा सकते हो, जो प्रिवेंट कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है, प्रिवेंट कब करोगे आप, जब आपको पता होगा कि, जिस तरह मैंने सीढ़ी की बात की ना, एहतियात उस वक्त करोगे जब पता होगा कि ऑयली है फिर सही वरना गिर जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार मुझे बताएं कि विटामिन डी की जो आप बात कर रहे हैं, तो हर एज के बच्चे को मतलब लेनी चाहिए, या एक एज है इसमें कि इस एज में आके आप विटामिन डी स्टार्ट कर दें? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, उसकी 2 वजह, क्योंकि बल्कि मैं अपने प्रोग्राम का एक डिस्क्लेमर भी बताऊं, हमारे प्रोग्राम का हेल्थ इज वेल का, ये हेल्थ इज वेल जो है ना, ये यकीनन आपके डॉक्टर का, आपके फैमिली फिजिशियन का नेमुल बदल नहीं है। आप इससे किसी भी किस्म की डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लान ना बनाएं, ये सिर्फ आगही के लिए। हमने आज क्या बात की, हमने कैंसर किट को डिफाइन भी नहीं किया, हमने कैंसर कहते किसको है, उसके कॉजेज क्या, हमने रिस्क फैक्टर की बात की, प्रिवेंशन की बात की, डाइट की बात की, हमने अर्ली डिटेक्शन की बात की, विटामिन डी किस बच्चे को कितना डोज लेना है, मैंने जो डोज बताई है वो एक जनरल डोज है 800-2000 इंटरनेशनल, आपका डॉक्टर आपका फिजिशियन बताएगा कि आपको क्या डोज लेनी है। अच्छा सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट मेरा सवाल है, वो ये है, आजकल आप जान रहे हैं जिस तरह कोविड चल रहा है, तो ये बताएं कि कोविड और कैंसर में आपस में क्या रिलेशन है? बहुत अच्छा सवाल, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कोई भी गुफ्तगू हेल्थ की हो, उसका आगाज़ कोविड से हो ना हो, इख्तिताम कोविड से ज़रूर हो। देखिए, कैंसर पेशेंट,
ट्रीटमेंट में है, ट्रीटमेंट के बाद है, उसका इम्यून सिस्टम मुदाफियत डिमिनिश है जी। और अगर कोविड ना भी हो जी, कैंसर पेशेंट को सीजनल फ्लू हो जाए, कॉमन कोल्ड हो जाए, तो वो उसके बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। अच्छा। और गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट रिसीव करने के बाद अगर उसे कोविड हो जाए, तो ये उसके बॉडी पे ऑलरेडी कैंसर बर्डन मौजूद है बॉडी पे, तो कोविड 19 का एक्स्ट्रा लोड उसके बॉडी पे आप दे रहे हो, ठीक है। और अगर वो कॉम्प्लिकेशन में चला गया, यानी कि वो कोविड वायरस लंग्स तक स्प्रेड कर गया, इज़ नॉट गुड फॉर द कैंसर पेशेंट। तो हत्तुल इम्कान सारे लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन जो पेशेंट पहले से है, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, डायबिटिक हो, किडनी पेशेंट हो और कैंसर पेशेंट हो, उनको लाजमी तौर पे वो जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, SOPs हैं, उसको फॉलो करना चाहिए ताकि उसे कोविड ना हो। सही, हाँ। तो बस ये डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आज के प्रोग्राम में यकीनन हमारे नाज़रीन को पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी एक अच्छे नए टॉपिक के साथ हम हाज़िर होंगे। अब इजाज़त दीजिए डॉक्टर फ़हीम साहब को और मुझे निदा ख़ान को, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेल्थ इज़ वेल्थ।